हेलो फ्रेंड्स, डिलीशियस फूड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू। दो टुकड़ों में मैंने इसको तोड़ लिया है। अब इसको हम ग्रेट करेंगे। अगर आप ग्रेट करना नहीं चाहते हैं तो इसको बारीक बारीक कट करके इसको मिक्सी में आप ग्राइंड करके भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसको ग्रेट कर लेते हैं। हम इसको बिल्कुल ही बारीक वाले हिस्से से ग्रेट करेंगे। इस तरह से लेके हम इसे ग्रेट कर लेंगे। देखिए, मैंने ग्रेट कर लिया है इसको। अच्छी तरह से मैंने ग्रेट करके तैयार कर लिया है। और मैंने ये चीनी ले ली है, एक कप दूध ले लिया है, थोड़ा सा इलायची पाउडर ले लिया है। इन सभी चीजों के साथ हम तैयार करेंगे नारियल के लड्डू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो आप मार्केट में इसका बुरादा मिलता है, नारियल का बुरादा मिलता है, आप उसके साथ भी तैयार कर सकते हैं नारियल के लड्डू। बट इसका जो टेस्ट होता है वो काफी अच्छा आता है, तो इसलिए आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो पैन में ऐड करेंगे घी। घी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, सिर्फ एक ही स्पून ऐड करेंगे। ज़्यादा हमें घी नहीं चाहिए होगा इसके लिए। एक स्पून हम घी ऐड करेंगे। जो हमने ग्रेट करके नारियल तैयार किया था, अब इसको इसमें ऐड करेंगे। और इसको हम भून लेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बहुत हल्का सा ही हमें भूनना है। बस थोड़ी देर ही, हम 2-3 मिनट ही इसे हम भूनेंगे। ज़्यादा हमें नहीं भूनना है इसे। इसमें कलर आना शुरू हो चुका है और इसमें एक अच्छी सी खुशबू भी आनी शुरू हो चुकी है। तो नारियल हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हम मिल्क। मिल्क हम थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे, एक साथ हम मिल्क नहीं ऐड करेंगे। अभी थोड़ा सा इसमें दूध और रह गया है, इसको भी हम ऐड कर देंगे। देखिए, हमने दूध को ऐड कर दिया है। अब इसको पूरी तरह से, अच्छी तरह से इसको हम ड्राई कर लेंगे। इसको हम स्लो फ्लेम पे करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे इसे हम। देखिए, दूध हमारा हो चुका है बिल्कुल ड्राई। अब इसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर। अब इसमें ऐड कर देंगे शुगर। आप जितना मीठा चाहते हैं उस हिसाब से शुगर ऐड करें। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शुगर को हम अच्छी तरह से इसमें मेल्ट कर लेंगे। तो देखिए, मिक्सचर हमारा हो गया है अब बिल्कुल ड्राई। इसमें चीनी भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इसको हम इसी स्टेज तक कुक करेंगे। इसके बाद इसे हम करेंगे ठंडा और इसके बनाएंगे हम लड्डू। तो देखिए, बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है। इसमें दूध भी बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, चीनी भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो अब गैस को कर देंगे बंद और इसको करेंगे थोड़ा ठंडा, और फिर इसके बाद हम तैयार करेंगे लड्डू। तो मिक्सचर देखिए हमारा हो गया है ठंडा। तो चलिए अब इसके हम लड्डू तैयार कर लेते हैं। आप जितने बड़े लड्डू बनाना चाहते हैं उस हिसाब से लड्डू तैयार करें। ते हैं देखिए, मैंने लड्डू को अच्छी तरह से हल्के हाथों से इसको इस तरह से प्रेस कर करके इसको तैयार करेंगे। देखिए, मैंने ये लड्डू तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो नारियल के मज़ेदार से लड्डू हमारे देखिए बिल्कुल बनकर तैयार हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।